जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। कोविड 19 महामारी के बीच 100वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन डिजिटल माध्यम से किया गया। सम्मेलन का आयोजन पीएम का फोकस आत्मनिर्भर। चंदौली में चावल वितरण योजना का किया शुभारंभ। सरकार द्वारा पोषित योजना का सीएम ने वर्चुअली किया शुभारंभ। सीएम ने कहा कुपोषण मुक्त होगा चंदौली। सीएम योगी का सख्त निर्देश, माघ मेले में बर्ड फ्लू को लेकर बरसे सतर्कता। सीएम योगी ने कहा प्रयागराज मेले में श्रद्धालु पक्षियों को दाना न खिलाए। सीएम योगी ने कोविड टीकाकरण की तैयारी समय से पूरी करने का दिया निर्देश। जिलों में कहे जा रहे कार्यों की नियमित की जाए जांच। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड 19 महामारी के बीच आज 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया है। साथ ही दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज पीएम मोदी ने कोविड 19 महामारी के बीच डिजिटली माध्यम से 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया। मां भारती से जुड़ा है, एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है। फ्रेंड्स, दुनिया भर में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें अभी तक 60 अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है। इस बार भी इसकी घोषणा की जाएगी। इसी तरह दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है। इस क्विज के 15 विजेता भी आज इस वर्चुअल समारोह में हमारे बीच मौजूद है। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरा इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सबसे आग्रह है कि आप तय करिए कि अगली बार जब क्विज कंपटीशन होगी तब आपके प्रयत्न से 10 और नए लोग इसमें जुड़ेंगे। ये चेन चलनी चाहिए, चेन बढ़नी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। कई विदेश के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़कर के अपने देशों में जाते हैं। उनको भी आग्रह करना चाहिए कि वे भी जो भारत में कभी पढ़ाई करके गए हैं, बेबीज क्विज कंपटीशन में जुड़े और क्विज कंपटीशन के एम्बेसडर बने। क्योंकि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, नई पीढ़ी को भारत को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत सरल उपाय है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है,
वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। वहीं चंदौली में फोर्टिफाइड चावल वितरण की भारत सरकार द्वारा पोषित योजना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि चंदौली चावल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंदौली जनपद से जो परिणाम आएंगे वो हमें इस योजना को पूरे देश में लागू करने में मदद करेगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि नोडल अधिकारियों की तैनाती पर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को पहले ही बोर्ड लगाकर इस चावल के बारे में बताना होगा, जनता को जागरूक करना होगा। अच्छी योजना है और चंदौली हमारे लिए एक आकांक्षात्मक जनपद है, तो आकांक्षात्मक जनपद की दृष्टि से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें खासतौर पर चंदौली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंदौली को पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल भारी मात्रा में वहां उत्पादन होता है और वहां के किसानों ने तो ब्लैक राइस भी पिछले 3 वर्षों में काफी अच्छे उत्पादन करके वहां पे अच्छी आमदनी भी की है। इसलिए ये जो संभावनाएं आपके यहां के लिए बन रही हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार पात्रों के पात्रता के अनुरूप, क्योंकि यहां पे चावल ज्यादा खाने वाले लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार में चावल ज्यादा लोग खाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों के लिए यह दोनों में यानी पीडीएस में भी और मध्यान्ह भोजन की जो व्यवस्था है विद्यालयों में वहां के लिए भी जो ये फोर्टिफाइड राइस की व्यवस्था की जा रही है, विटामिन है, इसका क्या फायदा होगा, ये सभी दूसरा इसकी पद्धति बतानी पड़ेगी, कैसे इसको बनाने की पद्धति क्या है, इसको जब चावल पकाएंगे घर में तो क्या उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके अगर हम बताएंगे तो एक बड़ा कार्य चंदौली की दृष्टि से ये हो सकता है, क्योंकि इसके हम फिर ये केवल चावल वितरण ही नहीं करना है, एक तो सफलतापूर्वक इस योजना को चंदौली जनपद में लागू करना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि इसके रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि जो एक बड़ी मात्रा में वहां पे कुपोषण की समस्या देखी गई है, दोनों में वहां के सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहां पर भी, वहां पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है, इन चीजों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है, ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, जिससे भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो इवेंट आज हम यहां पे एक तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग इस चीज को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहां के सांसद वहां के विधायक इन सभी लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अलग अलग केंद्रों की तरह से बनाए जाए, कहीं सांसद जी उसको शुरू कर लेंगे, कहीं विधायकगण शुरू कर लेंगे, कहीं पे अन्य गणमान्य लोग उसको करेंगे, अलग अलग केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात करके, कोटे की दुकानों में भी नोडल अधिकारी तैनात करते, क्योंकि ये चावल बहुत जगह अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस राइस को दूसरे मार्केट में बेचने का प्रयास हो और सामान्य चावल वहां पे लाने का प्रयास हो, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। नोडल अधिकारी तैनात करके यह सुनिश्चित करना, हर महीने वहां पर हरेक पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। Receiving this award for being the best channel head of the year.
सारे लोग, इतनी गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम के मुझे नहीं मिल सकता है, और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके साथ में अपना दूसरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वें मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड बृजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। अपनी खूबसूरती पर आपको है नाज, क्यों ना हो आपकी ज्वेलरी भी खास। आपकी खास अदाओं के लिए गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी की कंप्लीट रेंज, नेकलेस, ब्रेसलेट और हेड लॉकेट से लेकर एंगलेट, ब्रॉच, बेशुमार वैरायटीज, वो भी पक्की गारंटी और रीजनेबल प्राइस में। तो अपनी खूबसूरती को लगाएं चार चांद और आज ही आए कैरेट्स ज्वेलर्स। एड्रेस MZ31 सेकंड फ्लोर, सेंटर स्टेज मॉल, सेक्टर 18, नोएडा। मोबाइल नंबर 9654137254। फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल प्रेस कॉन्फ्रेंस COVID-19 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी को साझा कर रहे हैं, आई नजर डालते हैं। कम होने से प्रदेश में सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हुई हैं। औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेजी से सामान्य हो गई हैं। लगभग 8,18,000 इकाइयां चल रही हैं, जिनमें 52,00,000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता से भर्ती की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है और इसके साथ साथ स्वरोजगार से, कौशल प्रशिक्षण से, इन तीनों माध्यमों से ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार में लगाया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों, निगमों, परिषदों, आयोगों को निर्देशित किया है तथा इसकी समीक्षा भी हो रही है कि जहां जहां पर भी जिस विभाग में या स्वच्छाई संगठन, निगम, पार्षद, आयोग में भर्तियों की आवश्यकता है, जहां रिक्तियां हैं, तत्काल भर्तियां की जाएं। और ये 4 साल पूरा होते होते 4,00,000 सरकारी नौकरियों का जो एक लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है और इसे आगे उसी तेजी के साथ जारी रखा जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से ये सब प्रक्रियाएं की जा रही हैं और जिसकी नियंत्रण समीक्षा चल रही है। मिशन रोजगार के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी रोजगार पैदा करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अधिक से अधिक MSMEs को वित्त पोषण कराया जा रहा है ताकि ये अधिक से अधिक संख्या में ये स्थापित हों। अभी तक कोरोना कालखंड के पश्चात जो लॉकडाउन के पश्चात 14 मई से अब तक लगभग 6,97,000 नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 21,682 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। कुल इस प्रकार कुल मिलाकर
लगभग 11,35,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 32,000 से अधिक 32,700 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। ये केवल इन्हीं एमएसएमई के माध्यम से ही प्रदेश में 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार मिशन रोजगार का समीक्षा कर रही है तथा प्रत्येक जनपद में एक रोजगार प्लान बनाने का निर्देश किया गया है और ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों तकनीकी संस्थाओं को ये निर्देश दिया है कि वह उद्योगों में किस प्रकार के ट्रेड की किस प्रकार के क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से अपने यहां कोर्सेज को बनाएं जो कोर्स वो करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने में आसानी हो और वो रोजगार उन्हें स्थानीय स्तर पर ही मिले, स्थानीय एमएसएमई इकाइयों में मिले, स्थानीय उद्योगों में उनको रोजगार मिले। बहुत तेजी से इस ओर कार्य हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जलाशन किसान ये धान की यात्रा है ये पिछले साल इसी समय के दौरान खरीदे गए धान से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। ये जो मात्रा डेढ़ गुना अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले में यही दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है कि किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य समय से उपलब्ध होता रहे। इसके साथ साथ मक्का की भी तेजी से खरीद की जा रही है और अभी तक लगभग 9,51,000 क्विंटल मक्का की खरीद की जा चुकी है। मक्का की खरीद पहली बार की जा रही है। बुंदेलखंड में मूंगफली की भी खरीद किसानों से की जा रही है। लगभग 6,000 क्विंटल मूंगफली की भी खरीद अब तक की जा चुकी है। इस प्रकार सभी फसलों में जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत खरीदारी के लिए उपलब्ध है सबकी खरीद समय से की जा रही है और ये इसकी समीक्षा भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया है सभी जिलाधिकारियों को मंडलायुक्तों को कि वे स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन धान क्रय केंद्रों का मक्का क्रय केंद्रों का मूंगफली क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते रहें ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इसके अतिरिक्त ये भी आपको अवगत कराना था जैसा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया मुख्यमंत्री आरोग्य मेले शुरू हो गए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद में संकेसा में जाएंगे जहां पर कि आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगे। पूरे प्रदेश में ये मेले लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि महाराष्ट्र में भंडारा में अस्पताल में हुई दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को आयुक्तों को और फायर जो विभाग है उनके अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि सभी वो ये सुनिश्चित कराएं कि सभी सरकारी व निजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज तथा ऐसी सभी जगहें जहां पर कि जनता आम जनता अधिक संख्या में आती है भीड़भाड़ रहती है वहां पर जो फायर टेंडर्स हैं फायर के जो व्यवस्थाएं हैं जो अग्निशमन की व्यवस्थाएं हैं उनके उपकरण जो लगे हुए हैं उनकी जांच कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि ये उपकरण भी चलते हुए हों और जो जिनकी जिम्मेदारी है उन उपकरणों को चलाने की उन्हें समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाए और ये उपकरणों का रखरखाव समुचित किया जाए और समय समय पर ये जांच होती रहे ताकि इस प्रकार की दुर्घटना इस प्रदेश में ना होने पाए। धन्यवाद। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां समय से पूरे करने के साथ ही सभी जिलों में किए जा रहे कार्यों को निगरानी और मार्गदर्शन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड टीकाकरण के लिए 11 जनवरी को प्रदेश में फिर से आयोजित किए जा रहे ड्राई रन को पूरी तरह से संचालित करते हुए सभी तैयारियों की गहन समीक्षा की जाए।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले में ध्यान रखते हुए इस दौरान बर्ड फ्लू के चलते विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह किसी भी व्यापक प्रचार प्रसार करे कि आपको बताया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेले में कोविड 19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेलों के प्रवेश द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सहित एक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश की एंट्री मिलेगी। सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि माघ मेले की तैयारी में उत्तर प्रदेश जोरों शोरों से लगा हुआ है, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड 19 के प्रोटोकॉलों का पालन करने की हिदायत दी है। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी जरूरी होगा। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से प्रदेश में बर्ड फ्लू फैल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बर्ड फ्लू को देखते हुए सारी सावधानी माघ मेले में की जाएगी। भक्तों से, श्रद्धालुओं से सीएम योगी ने अपील की है कि किसी पशु पक्षियों को दाना नहीं खिलाया जाएगा। आपको बता दें, बर्ड फ्लू के चलते विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वहीं इसके साथ ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करें, कोविड 19 के प्रोटोकॉल के पालन करने की हिदायत दें। वहीं इसके साथ ही सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो प्रदेश में माघ मेले की तैयारी जोरों शोरों पर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवधिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है एक अच्छी शिक्षा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि छात्र छात्राओं को रोजगार को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा दी जाए, क्योंकि बेहतर शिक्षा ही बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगा। वहीं साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवधिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से शिशु की अस्मृतिक मृत्यु पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही भगवान श्रीराम से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से शिशु की अस्मृतिक मृत्यु पर सीएम योगी ने काफी गहरा दुख जताया। वहीं इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि सभी बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। चलिए फिलहाल बेटे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस।